लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। आज पढ़ेंगे एक नया जिला कैथल जिला, छोटा सा जिला है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर इसकी स्थिति की बात की जाए, कैथल उत्तर में कौन सा जिला पड़ता है, अम्बाला, और पूर्व में क्या है, कुरुक्षेत्र, वैसे तो आगे चल के कुरुक्षेत्र, और बिल्कुल पूर्व में अगर बात करें तो करनाल, यहां कुरुक्षेत्र और यहां क्या पड़ता है, करनाल और इधर जींद, दक्षिण में क्या पड़ता है, जींद, और इधर पंजाब राज्य की क्या लगती है, सीमाएं, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा आगे चल के कुरुक्षेत्र, इधर करनाल और ऊपर अम्बाला, नीचे जींद, और साइड में क्या लगता है, पंजाब लगता है, ठीक है। स्थापना पूछी जाए तो 1 नवंबर 1989 को चार जिले बने थे, एक तो रेवाड़ी, एक कैथल, एक पानीपत, एक यमुनानगर। इसके अलावा कौन कौन से बने थे, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत, ये सभी कब बने थे, 1 नवंबर 1989 को, ठीक है। रेवाड़ी, यमुनानगर, पानीपत और कैथल कब बने, 1 नवंबर 1989 को। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल 2317 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तहसील की बात की जाए, तहसील इसमें कौन कौन सी पड़ती है, कैथल, गुहला, कलायत, एक है पुंडरी, कौन सी है, फतेहपुर और पुंडरी, पुंडरी के अंदर गांव पुंडरी ही है। तहसील की बात करें, कैथल, कलायत, गुहला और पुंडरी, ये इसकी क्या है, तहसीलें। उप तहसील में, उप तहसील भी पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर, राजौंद और इसके अलावा सीवन और डांड, सीवन उप तहसील में क्या है, राजौंद, सीवन और डांड। अब उपनाम की बात करें कैथल के, उपनाम इसको वानर नगरी और जो जय संहिता और यजुर्वेद के रचयिता, यजुर्वेद के रचयिता यह था वह जय संहिता, जो महाभारत का पुराना नाम होता था जय संहिता, उसके रचयिता कौन थे, कपिल मुनि के नाम पर कपिस्थल, वानर नगरी, कपिस्थल और हनुमान स्थली और इसके अलावा लवकुश नगरी भी बोलते हैं इसको, आएगा इसका जिक्र जब करनाल से कैथल रोड पर ये गांव है, क्या बताऊं, उसमें लवकुश नगरी और कपिल मुनि की स्थली, कपिस्थल भी बोलते हैं इसको, और नव ग्रह कुंड के कारण इसको क्या कहा गया, हरियाणा की काशी, छोटी काशी दो है ना, जैसे मंदिरों के कारण दो,
मैंने पढ़ाया था भिवानी को, और नव ग्रह कुंड के कारण आपको क्या बताया गया, कैथल। इसके ये हो चुके हैं गुरुद्वारों का शहर भी बोलते हैं इसको, गुरुद्वारों का शहर, द्वारों का शहर, जैसे मान जी गुरुद्वारा टोपियों वाला गुरुद्वारा, सॉरी। अच्छा, अब कैथल जिला किस मंडल का हिस्सा है, करनाल मंडल का, जब दो बने ना नए फरीदाबाद और करनाल, किस जिले किस मंडल में आता है, करनाल मंडल के अंदर, किसके अंदर आता है, करनाल मंडल के अंदर। अच्छा, यहाँ कुछ मंदिरों की बात की जाए, कौन कौन से हैं, अगर मंदिरों की बात की जाए, मंदिर वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, एक गांव में ही बहुत सारे 5-7-10 मंदिर मिल जाएंगे, कोई के हनुमान का, कोई शिव जी का, इस तरह से। तो यहाँ का फेमस जो मंदिर है, 11 रुद्री शिव मंदिर, ऐसा बताते हैं कि महाभारत काल के दौरान जब दिव्यास्त्रों की खोज में अर्जुन निकले थे, तो शिव शंकर या महादेव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर उसने तपस्या की थी, और क्या प्राप्त किया था, पशुपत अस्त्र प्राप्त किया था अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर है अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, कौन सा है, अम्बकेश्वर महादेव, देवों के देव महादेव, महादेव मंदिर, ये भी कहाँ है, कैथल के अंदर। यहाँ ये काफी प्राचीन मंदिर है, इसको पताल नाम बताया गया, इसको पतालेश्वर, यहाँ प्राचीन शिवलिंग मिला था जिसको पतालेश्वर या शिवलिंगी भी बोलते हैं, पतालेश्वर या शिवलिंगी बोलते हैं इसको। अंदर एक है पुंडरीक सरोवर, ये सरोवर काफी प्राचीन है, सतयुग के समय तक ऐसा बताते हैं इसका जल आज तक सूखा नहीं है, जो का त्यों है। एक है गीता मंदिर भी कहाँ है, ये भी कहाँ है, कैथल के अंदर, ये करनाल मंडल मंदिर। दोबारा बताता हूँ, 11 रुद्री शिव मंदिर, महाभारत काल के दौरान अर्जुन ने, कुंती पुत्र अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पशुपत अस्त्र प्राप्त किया था, पहले उसकी परीक्षा ली थी, एक भेड़िया सा रूप बना के आया था, तभी शिव जी ने उसको उससे पहले मार दिया था, आखेटक बन के, यानी शिकार करने वाला। तो यहाँ पर पशुपत अस्त्र प्राप्त किया था, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर भी, जिसको पतालेश्वर या शिवलिंगी भी बोलते हैं, और गीता मंदिर भी कहाँ है, पर्यटन स्थल, देखो यहाँ पर पर्यटन स्थल, एक तो है कोयल वे, क्या है, कोयल, और इसके अलावा अंजनी का टीला और एक बालू का टीला, ये भी कहाँ है, कैथल के अंदर है। और कुछ बताता हूँ, यहाँ पर महाविद्यालय कौन कौन से फेमस हैं, और यहाँ के MLA MP कौन है, इरेज कर देते हैं। और मंदिरों के साथ है यहाँ पर जो महत्वपूर्ण स्थल में, एक रजिया सुल्तान का मकबरा है, रजिया सुल्तान का मकबरा, ये भी कहाँ पे है, कैथल के अंदर, जो 13 अक्टूबर 1240 को जिसकी हत्या कर दी गई, कहाँ पर, कैथल के नजदीक। इसके अलावा यहाँ पर नवग्रह कुंड भी है, उन्हीं के कारण इसका नाम क्या पड़ा, हरियाणा की काशी या छोटी काशी।
अगर बात करें मेले जो कैथल का फरल गांव है, फरल गांव यहां पर कौन सा मेला लगता है? फल्गु का मेला लगता है, ठीक है, कैथल के फरल गांव में। और है बाबा पीर, पीर की क्या है यहाँ पे मंजार है गोला चीका में, बाबा मीरा नौबहार, इसको बाबा पीर ही बोलते हैं, बाबा मीर लिखा हुआ है, बाबा मीरा नौ नौ वहार, बाबा मीरा मीरा नौ बहार, ये कहाँ पे? गोहला के अंदर। बाबा मीरा नौबहार का जो दरगाह है वो कहाँ है? गोहला के अंदर। यहाँ पर कॉलेज की बात करें, शिक्षा की बात करें, यहाँ पर RKSD काफी, यानी कि राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज, RKSD राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज है, जो कि इस या राज्य का, हरियाणा राज्य का सबसे पुराना कॉलेज है, जो कि कब बना था? 1954 में। इसके अलावा यहाँ पर 1970 में महिलाओं के लिए अलग से कॉलेज बना, जिसका नाम है इंदिरा कॉलेज, इंदिरा कॉलेज, ठीक है। ये फरल गांव में फल्गु का मेला लगता है, और बाबा मीरा नौबहार गोला के अंदर इसकी एक दरगाह है, और कैथल का नाम आपको बता चुका हूँ, यजुर्वेद के रचयिता व अजय संहिता के रचयिता कपिल मुनि के नाम पर, कलायत में मंदिर भी है कपिल मुनि के नाम से, कलायत में भी है, और हनुमान स्थली या अंजनी का टीला, बालू का टीला, ये सारे कहाँ पे हैं? कैथल के अंदर। तो इसके अलावा बात करें हम यहाँ से जो MLA कौन कौन बनते हैं, MLA विधानसभा सीट, विधानसभा सीटों की बात की जाए, कैथल के अंदर से कौन है? लीला राम गुज्जर, जिसने किसको हराया था? कांग्रेस के दिग्गज लीडर रणदीप सुरजेवाला को कुछ ही मार्जिन से, जो ये क्या है? बीजेपी के हैं, ठीक है। और कलायत से मिसिज कमलेश डांडा, कमलेश डांडा, डांडा ऐसे ही लिखते हैं, देख लेना डांडा, ठीक है, जो कि क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री है बीजेपी सरकार में, ये भी बीजेपी से बिलोंग रखते हैं। एक है अभी गुहला वह पुंडरी, पुंडरी से शायद निर्दलीय हैं, देखता हूं कौन है। अगर गुहला से बात की जाए, ईश्वर सिंह कौन है? ईश्वर सिंह जो कि किसके हैं? जेजेपी के। और यहां से कौन है? रणधीर सिंह, मिस्टर ईश्वर सिंह और मिस्टर रणधीर सिंह गोलन, जो कि क्या है? निर्दलीय है, क्या है? निर्दलीय, ठीक है। दोबारा देखो, विधानसभा कितनी है? 4 सीटें, कैथल, कलायत, गोहला, पुंडरी। कौन कौन सी? कैथल, कलायत, गोहला और पुंडरी। पुंडरी से निर्दलीय है जिसका नाम है रणधीर सिंह गोलन, निर्दलीय ही है, किसी पार्टी से नहीं, आजाद उम्मीदवार है। गुल्ला ईश्वर सिंह जेजेपी के हैं, कलायत से मिसिज कमलेश डांडा है जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, और कैथल से लीला राम गुज्जर, जिन्हें कांग्रेस के दिग्गज नेता मैं बता चुका हूँ, रणदीप सिंह सुरजेवाला को हराया था कुछ ही मार्जिन से। अभी जो RTO नंबर ही और करा देता हूँ, छोटी सी वीडियो है, बड़ी वीडियो नहीं है। कैथल के अंदर अगर बात करें, कैथल और कलायत के अंदर छोटा नॉन कॉमर्शियल HR 08, तो क्या है? नॉन कॉमर्शियल छोटे व्हीकल का,
और HR64 किसका है, बड़े ट्रक बसेज और लोडिंग लोडिंग वाहनों का। और इसके अलावा गुहला के अंदर ही RTO नंबर है HR09, और ये 8 किसके अंदर भी चलता है, कलायत के अंदर भी चलता है, और ये उधर पुंडरी साइड भी चलता है, ठीक है। और कलायत कैथल का ये हो गया, और गोला और हो सकता है पुंडरी का 09 या 08 हो सकता है, वो देखते हैं कि किस RTO के तहत आता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।